हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सेमेस्टर फोर का बीएससी टू का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, जो कि आज पेपर हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पे समय आप सभी को 2 घंटा मिला हुआ है, ठीक है। फुल मार्क्स 50 मार्क्स का है। हम इसका देखने वाले हैं आंसर की, ठीक है। हम आपको वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको आंसर के बारे में बता देंगे, ठीक है। देखिए, इससे वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम डिस्कस करते जाएंगे एक क्वेश्चन का। तो इससे बढ़िया क्या है कि क्वेश्चन हम आपको एक जगह दिखा देते हैं और फिर आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डेसिबल के स्वर के संपर्क में आने से श्रवण हानि होती है, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि फेफड़े की फाइब्रोसिस किसके कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, परिणाम स्वरूप परिसंचरण तंत्र में O2 की परिवहन कम हो जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, वो आपको यहाँ पे लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि 5 जलीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, यूट्रोफिकेशन से प्रेरित शैवालीय प्रस्फुटन की वृद्धि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, चलिए हम आपको पढ़ते हैं, नहीं ज़्यादा समय लगेगा इससे, ठीक है। हम सिर्फ आपको पेपर दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा 7 क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखते जाइए, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखिए, ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अगर आप वीडियो को रोकाना चाहते हैं तो रोका करके देख सकते हैं। ये सभी का आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो गया, 27 हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया आपका, 29, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34, फिर 36, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। आंसर आप सभी को कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस पर जाइएगा, अब ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। देखिए, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का आंसर तुरंत ढूंढना हम लोग का भी बस की बात नहीं होता, ठीक है, कि 50 का 50 क्वेश्चन हमारे माइंड में मतलब इसका आंसर होगा ही होगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसका आंसर हम लोगों के माइंड में भी कन्फ्यूज होता है, क्योंकि ऑप्शन आता तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो वहीं पर हम इसका भी आंसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर जो हमको नहीं पता है उस आंसर को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और तो फिर जो आंसर हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। और शाम तक होते होते हम क्या करेंगे, आप सभी का आंसर को हम क्या करेंगे, वहीं पर हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। इस पेपर को भी वहीं पर हम सेंड कर देंगे, ठीक है, इस पेपर को भी सेंड कर देंगे, और वहाँ पे हम एक पेज में लिख के सेंड कर देंगे कि पहला का ये होगा, दूसरा का सी होगा, तीसरा का डी होगा। आपके पास पेपर भी रहेगा, तैयारी करके चल जाइएगा, और जो है स्टूडेंट लोग एग्जाम दे दिए वो अपना आंसर भी मैच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा पेपर है, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है, ये सब आपका पेपर रहा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर आप लोगों को वहीं पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी सारे स्टूडेंट लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आप सभी को ये भी बता दिया कि आंसर आप सभी को कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, अब जा करके वहाँ से आंसर आप लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।